वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक को दूसरे वित्तीय संस्थानों से ही सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके कस्टमर्स नॉमिनी या उत्तराधिकारी का नाम अवश्य घोषित करें। रिजर्व बैंक की एनुअल रिपोर्ट के माने तो वित्त वर्ष 2021 और 22 तक बैंकों में बिना दावे वाली रकम यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट 48,262 करोड़ रूपए का किया जा रहा है। वही सभी वित्तीय संस्थानों में बगैर दावे वाली रकम का वैल्यू 1,00,000 करोड़ रूपए का पाया जा चुका है। वित्त मंत्री ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए कहा कि मैं चाहती हूं कि बैंकिंग सिस्टम, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट समेत सभी फाइनेंशियल इकोसिस्टम इस बात का ध्यान रखें कि जब वो कस्टमर के पैसे से डील कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को भविष्य के बारे में भी सोचें और ये सुनिश्चित करना चाहिए उनकी कस्टमर्स नॉमिनी का नाम और पता उपलब्ध कराएं। आम लोग अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगा सके इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्गम नाम से सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर जाकर कोई भी व्यक्ति बैंकों के अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगा सकता है। इस वेब पोर्टल के जरिए आम लोगों को बैंकों में जमा अपनों की अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाने में मदद मिलेगी, भले ही एक से ज्यादा ही बैंकों में क्यों ना रकम जमा हो। सरकार भी लगातार फाइनेंशियल रेगुलेटर से अनक्लेम डिपॉजिट, शेयर्स, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसी को लेकर स्पेशल अभियान चलाने को कहती है। सरकार चाहती है कि वित्तीय संस्थाएं नॉमिनी को तलाश कर रही है इन अनक्लेम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का फायदा पहुंचाए। जहां नॉमिनी की जानकारी नहीं तो समय सीमा के भीतर ही जानकारी उन तक उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया जाए। आरबीआई के मुताबिक सबसे बड़ा अनक्लेम डिपॉजिट तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बैंकों में जमा है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के मुताबिक जीवन बीमा कंपनियों में 31 मार्च 2021 तक कुल 22,043 करोड़ रूपए जमा है जिसका कोई दावेदार नहीं है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के पास ही 21,538 करोड़ 93 लाख रूपए अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा है जिसका कोई दावेदार नहीं है। इस रकम में 2,911 करोड़ 8 लाख रूपए ब्याज भी शामिल है जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हासिल हुआ है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।